Assalamu alaikum, beautiful people out there. So guys, welcome to the channel. And finally, alhamdulillah, I'm starting a vlog again because today is a special day and last day of that procedure. Alhamdulillah, finally it's over. बात करें, मेरा एक प्रोसीजर चल रहा है दांत का, रूट कैनलिंग का. तो उसी के रिलेटेड मेरा प्रोसीजर जो है वो आज ख़त्म होने वाला है फाइनली. तो पता है ब्लैक पेंट्स जो लगाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आराम से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गर्दा आराम से लग जाती है पेंट्स को. जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पेंट्स की हालत. तो इसीलिए थोड़ा पानी डालते हैं ज़्यादा. नहीं है यार, और लोग बोलते हैं कि कश्मीर में पानी है. ये देखो, पानी नहीं है कश्मीर में, कोई पानी नहीं है, अब सब खत्म हो गया. लेट्स गो. चल भाई. इंडिया मीडिया का फिगर न. बात करें, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि मुझे कितना पसीना आ रहा है. और एसी दो मिनट बंद क्या कर लिया गाड़ी का तो ये हालत हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है और कुछ नहीं. और मैं यहाँ पर इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पर होल सेल में दवाई मिलती है. और मैंने गाड़ी का एसी ऑन किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा था, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस क्लाइमेट. एंड मैं कंप्लेन इतना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम कश्मीरियों को आदत नहीं है इतनी गर्मी की. और जब हम दिल्ली जाते हैं या कहीं बाहर स्टेट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं तो हम कंप्लेन उनकी बारिश कर देते हैं. तो दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग सो फार सो गुड. देखते हो YouTube देखो, नहीं उठा रही सेल्फी, नहीं उठा रहा. YouTube देखे हो? देखते हो YouTube पे सर्च करो जुनैद अल्लाकबंद, वहाँ पर आपको मिलेंगे मेरे वीडियो. हाँ समझ आपके. हाँ मैं YouTube पर हूँ, मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, वहाँ पर लिखो जुनैद अल्लाकबंद तो आपको मिलेंगे मेरे वीडियो. और सब्सक्राइब करना, ठीक है? सब्सक्राइब पता है ना क्या हुआ? पता है. हाँ ये क्या जे? हाँ वहाँ तो गई, मैंने गॉग्स ले ली और मुझे लगता है ये जो गॉग्स है ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. और शोर बहुत है. सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनली डॉक्टर के पास, मतलब क्लिनिक के पास पहुँच गया. तो लेट्स बिगिन आवर प्रोसेस एंड आई विल सी यू आफ्टर दैट, ठीक है? आई वांट यू टू शो मी हाउ टू गेट टू नो Someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We could be true, we can be true. I want you to see what I see now. So guys, I'm waiting here outside the dental clinic. I don't know how much time it will take, but inshallah everything will be fine. Let's see how it goes. And I hope कि जो मैंने आपको एक सिनेमैटिक शॉर्ट्स दिखाया आपको पसंद आया होगा इसके लिए. सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. प्लीज विदाउट ट्राइंग एंड हाउ वी एवर सी इफ वी आर मेंट टू बी इट्स टेरिफाइंग इट्स टेरिफाइंग. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग
went well and I can't talk because it's hurting too much. दर्द इतना ज़्यादा हुआ ना आज के मैं आपको बता नहीं सकता. द थर्ड एंड द सेकेंड लास्ट फाइनल स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट. फुल कर कर. सो गाइस वी आर फाइनली हियर. वी हैव टू बाय एन एलईडी फॉर होम जो मैंने पहले बोला था. सो एक्चुअली जो शॉप का ओनर है वो यहाँ नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिम एंड लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ मतलब एलईडी हम कौन सा लाएंगे वो कितने इंच का लाएंगे वो आपको पता चल जाएगा. एंड इट सक्स बिलीव मी इट पेन्स अ लॉट. एंड जो थर्ड का होता है ना मतलब थर्ड अपॉइंटमेंट द थर्ड प्रोसीजर द थर्ड स्टेज आई कैन से इज वेरी मच डिफिकल्ट देन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज. एंड आई कॉन्ट टॉक मच. एंड डॉक्टर सेड कि एक घंटे तक कोई कुछ पानी नहीं डालना दांत को. सो आई फॉलो द रूल्स. मैं डेढ़ क्या एक घंटा क्या डेढ़ घंटा नहीं डालूंगा. एंड सो फार सो नॉट गुड. गोवा से था अभी थी रुक. सो गाइस मैं अपने जा चुके घर पहुंचा एंड इट्स टू हॉट. सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आई मेट माय कजन एंड एवरीथिंग वेंट वेल एंड आई एम एबल टू टॉक नाउ बिकॉज़ माय एनर्जी इज बैक. एंड लेट मी शो यू द स्टेडियम व्हाट इज गोइंग हियर. बेसिकली यहां ना मैच हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं ठीक है. सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच्ड होम एंड पहले खाना खाए गए और उसके ओके और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट रूट कैनालिंग एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द स्टेप्स. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल बिकॉज दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव व्लॉग. एंड आई मेट माय कजन्स हस्बैंड एंड ही सेड आई वॉच योर व्लॉग्स. दैट्स क्रेजी. या सो फार सो गुड. मतलब दुबई में भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं. दैट्स कूल. सो गाइस अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ एंड रेस्ट अ बिट. उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट आई विल रेस्ट एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक टू विद यू गाइस. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. सो गाइस लेट्स टॉक. तो खाना पीना मेरा हो गया और रेस्ट भी मैंने थोड़ा सा कर लिया ज़्यादा नहीं. और मैं बात करता हूँ अब किसकी रूट कैनालिंग के बारे में. तो रूट कैनालिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं नर्व्स को डिसलोकेट करते हैं दांत के साथ. मतलब जो आपके दांत में जो नर्व्स होते हैं उनको हम डेड एज अ मैसे बोलूँगा डेड रखते हैं. तो उससे क्या होता है उसके बीच में क्लिप रखते हैं एक नेल जैसा रखते हैं ऐसा आपको समझ आएगा. तो कुछ दिन रखते हैं तीन दिन रखते हैं ऐसे ही प्रोसीजर चलता है छः दिन फिर नौ दिन ऐसी. ये डिपेंड है कि आपका दांत किस टाइप का ऑल दैट सफर. तो प्रोसीजर क्या है इसका. पहली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलता है वहाँ पर सब कुछ फिर हो जाता है. ऑल दैट फिलिंग्स होती है वो जो नीडल टाइप होती है और नेल टाइप वो भी कुछ दिनों के लिए रहता है. वैसे ही वो नीडल्स चेंज होती है जब जब आपका अपॉइंटमेंट होता है. तो फाइनली ये जो प्रोसेस है ये चार स्टेजेस में होती है. पहले नेल फिर और नेल और जब तीसरा स्टेज होता है तब कुछ डिफरेंट ही इतने ज़्यादा नेल मतलब वो क्लिप्स जैसे डालते हैं. फिर जो फोर्थ स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है वो होती है कैप की स्टेज. मतलब जब रूट कैनालिंग आप करो कैप ज़रूरी कराओ क्योंकि विदाउट कैपिंग रूट कैनालिंग इज़ नॉट मतलब सक्सेसफुल. मतलब
आपको लगेगा दर्द खत्म हो गया, दांत ठीक हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रूट कैनालिंग खत्म हो जाएगी और मतलब क्या आप एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्शन, आपका दांत बचा के रखती है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना चाहिए उतना शेयर कीजिए। और हाँ, मैं ये वीडियो इस वक्त इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं एडिटिंग करूँ और ये शाम तक वीडियो आ जाए, इसीलिए। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।